कई बार हमने अपने सोसाइटी में ये बोलते हुए सुना है, कई लोग ऐसे एक्सक्यूज देते हैं, जैसे कोई लड्डू होगा तो बोलेंगे कि देसी घी के लड्डू हैं और मेवे डले हुए हैं, मावा डला हुआ है, तो ये बहुत अच्छा होगा। कहने का मतलब है कि रॉ मटेरियल को दिखा के उस फूड को अच्छा बताने की कोशिश करते हैं। देखो, फूड तो भगवान ने सारे ही बना के भेजे हैं, तो कोई खराब हो ही नहीं सकता, सब नेचुरल है। बात फूड से ज्यादा या रॉ मटेरियल से ज्यादा प्रोसेसिंग पे आ जाती है। शुगर केन जूस जितना आपके लिए अच्छा है, हेल्दी है, वहीं चीनी जो उसी का प्रोडक्ट है वो इतना खराब हो जाती है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। आटा मैदा कहीं अलग से नहीं आते हैं, सेम ही रॉ मटेरियल से आते हैं, दोनों को पीसने का तरीका अलग होता है। से ही जब आप रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हो, ऑयल की चीजें खाते हो, यही ऑयल आप अपने घर में भी यूज करोगे, लेकिन वो ऑयल जब मल्टीपल टाइम्स उसको पकाया जाता है, मल्टीपल टाइम्स वो लोगों के फूड में जा रहा है, वहां ट्रांसफैट की जनरेशन होगी जो एकदम से जहर की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। फूड में एक्सक्यूजेस कभी भी रॉ मटेरियल के नहीं देने। प्रोसेसिंग इज वे वे मोर इम्पोर्टेंट देन रॉ मटेरियल इटसेल्फ।